अगर कोई आपके दिल से नहीं निकल रहा, उसे भूल भी नहीं सकते, तो लोग पूछते हैं तुम कुछ बदल गए हो। तुम ही बताओ, टूटे हुए पत्ते के अब रंग भी ना बदले। अगर कोई इंसान आपको दिल से चाहता है तो उसकी कदर करो, क्योंकि ये दिल से चाहने वाले हर किसी को नहीं मिलते। किसी का दिल दुखाने वाली बातें ना करो, क्योंकि वक्त बीत जाता है पर बातें याद रहती हैं। हकीकी इश्क वो होता है जो हद में रहकर बेहद किया जाए। बात सिर्फ मर्द के खुलूस और मोहब्बत की होती है। औरत आसाइशों के बगैर भी खुश रह सकती है। भले ही हजारों शिकवे हों अपने महबूब से, वो बस हाल पूछ ले तो हम सब भूल जाया करते हैं। मर्द की तरफ से औरत को दिया जाने वाला सबसे खूबसूरत तोहफा उसकी इज्जत है। औरत के पास ये सलाहियत है कि हालात के तकाजे के मुताबिक वो अपने वालिदैन का बेटा भी बन सकती है और अपनी औलाद का बाप भी। बाज़ मोहब्बतें हमें जिंदगी में उस वक्त मिलती हैं जब हमें उनकी जरूरत नहीं होती। मोहब्बत बोझ नहीं होती, लेकिन इंसान को झुकना सिखा देती है। जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जिन्हें हम चाहकर भी अपनी याददाश्त से मिटा नहीं सकते। मुझे इख्तिलाफ है उन लोगों से जो कहते हैं कि वक्त हर जख्म को भर देता है। जिनके दिल नरम होते हैं, जिंदगी उनके साथ उतनी ही सख्ती से पेश आती है। अगर कोई आपके दिल से नहीं निकल रहा और उसे भूल भी नहीं सकते, तो अपनी दुआओं का सिलसिला जारी रखें, क्योंकि दुआओं से तकदीर बदल जाती है। मोहब्बत में रोज बात करना जरूरी नहीं, खुद को किसी की अमानत समझकर हर लम्हा वफादार रहना जरूरी है। जिंदगी में ऐसे शख्स का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल सुनाने के लिए लफ्जों की जरूरत ना पड़े। निभाने की चाहत अगर दोनों जानिब से हो तो कोई रिश्ता नाकाम नहीं होता। अगर मोहब्बत उनसे मिले जिनसे आप प्यार करते हैं, तो फिर मोहब्बत उसको जरूर देना चाहिए जो आपसे प्यार करता है। अपनों को दी गई तकलीफ और दुख के सामने हम चाहे कितना ही डट जाएं, लेकिन एक लम्हे के लिए हम टूट जरूर जाते हैं। रिश्तों को वक्त दो, ताजमहल दुनिया ने देखा है, मुमताज ने नहीं। मोहब्बत की सबसे बड़ी खामी यह है कि यह बरसों गुजर जाने के बाद भी मोहब्बत ही रहती है। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें सब्सक्राइब करने से होता हमारे जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।